नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और नुस्खे के बारे में जानने वाले हैं जिससे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और मल द्वार की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे जो है आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस नुस्खे को जो है आप कैसे बना सकते हैं और इसी नुस्खे से जो है आप दो तीन तरीके से जो है आप जो सेवन कर सकते हैं, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो एकदम बने रही वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नुस्खे में आपको चाहिए होगा एक तो जीरा, जो कि आपके सब्जियों में यूज़ होता है, मसालों में यूज़ होता है, और आपको चाहिए दोस्तों मिश्री, जो डोरे वाली मिश्री होती है वो वाली मिश्री आपको चाहिए। बाज़ार में पीसी हुई मिश्री या मिश्री के दाने वो दोस्तों इसमें काम नहीं आएंगे, आपको डोरे वाली जो मिश्री होती है वही चाहिए और आपको जीरा चाहिए। दोस्तों, जीरा जो होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसके साथ साथ इसकी तासीर जो है थोड़ी ठंडी होती हैं, इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है और इसको हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें किसी भी चीज़ को हील करने में जो है जीरा अहम योगदान देता है, तो इसलिए दोस्तों मैंने इसमें जीरे का इस्तेमाल किया है। और मिश्री, आप सभी को पता है कि मिश्री जो है स्वाद में भी जो है अच्छी होती हैं और जो है खाने के लिए भी आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। शुगर जो होती हैं वो जो है उतनी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, साथ में गर्म भी होती हैं। मिश्री जो है डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाती हैं और जो है तासीर में भी ठंडी होती हैं। तो दोस्तों, आपको करना ये है कि आपको जो जीरा है उसको जो है बारीक पेस्ट बनाना है आपको, मतलब आप किसी भी तरीके से जीरे को एकदम बारीक पेस्ट में बदलना है। मेरे पास जो चकलोटा और बेलन था उसके ऊपर मैं जो है जीरे को जो है रगड़ रहा हूँ और उसके ऊपर जीरे को जो बारीक कर रहा हूँ। आप चाहें तो किसी ग्राइंडर के अंदर जीरे को पहले से पीस सकते हैं और पीसने के बाद उसमें जो है थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। तो मेरे को क्या है, अभी थोड़ा कम ही बनाना था, जस्ट आपको बताने के लिए बनाना था, तो इसलिए क्वांटिटी कम थी तो मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने इस जगह पे इसको ग्राइंड करने का जो है डिसीजन लिया। और आप देख रहे हैं कि मैं इसको जो है पूरा एकदम बारीक कर रहा हूँ। बारीक इसलिए चाहिए दोस्तों क्योंकि इसको जो है आपको अपने गुदामार के पास लगाना होता है इस पेस्ट को, तो इसलिए अगर एकदम बारीक नहीं होगा तो फिर आपको जो है ये थोड़ी चुभन सी होगी और आपको जो है कम्फर्टेबल नहीं लगेगा। इसलिए एकदम बारीक पेस्ट होगा तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके कुछ लगाया हुआ भी है, तो इसलिए दोस्तों इसको एकदम बारीक करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है इसको जितना चाहे रगड़ सकते हैं या फिर जितना आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे जितने टाइम तक, तो उतना अच्छी जो है महीन इसका पेस्ट बनेगा और उतना ही जो है आपके लिए कम्फर्टेबल रहेगा। तो देख लीजिए ये पेस्ट बन रहा है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी पेस्ट बन चुका है लेकिन अभी भी उतना बारीक नहीं बना है, लेकिन जस्ट मैंने आपको बताया है ये, तो इसलिए ये पेस्ट बन चुका है। इसको एक कटोरी के अंदर मैंने डाल दिया है। अभी दोस्तों ये जो है आप देख लीजिए ये पेस्ट बना है, इसको जो है आप अपने जहाँ पे भी आपको गुदामार के अंदर पाइल्स की प्रॉब्लम है या पाइल्स का मस्सा है उसके ऊपर आप इसको लगाएंगे तो वो जो मस्सा है आपका ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो जलन है वो भी जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, तो शरीर को जो है हीलिंग करने में ये मदद करता है। दोस्तों, बात करें मिश्री की, तो एक तो नुस्खा ये हो गया कि आप इसको जो है जीरे को जो है आप पेस्ट बना के लगा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों कि जीरे को जो है आप पीस लीजिए, उसका पाउडर बना दीजिए, उसके अंदर पानी नहीं डालना आपको, और उस पाउडर के साथ आप जो है मिश्री भी डाल दीजिए। दोस्तों, मिश्री और जीरा दोनों समान मात्रा में ले लीजिए, जितनी आप मिश्री ले रहे हैं उतना ही जो है आप जीरा ले सकते हैं। समान मात्रा में लेके आप दोनों का चूर्ण बना लीजिए और इस चूर्ण को जो है आप सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम जो है आप इसका सेवन करें। ये भी जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जीरे के अंदर फाइबर होता है, मल को जो है आपके करता है और साथ ही साथ आपके पाचन से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वो जो है ख़त्म करता है। अगर आपका वात का प्रकोप आपके शरीर में बढ़ा हुआ है तो वात के प्रकोप को ख़त्म करता है, और कब्ज होने का कारण जो है सबसे बड़ा वात का प्रकोप ही होता है, जिसमें आपके शरीर के अंदर जो है वायु बढ़ जाती है और उससे जो है आपके
मल जो है वो कठोर होने लगता है और आपका मोशन अच्छे से नहीं हो पाता है। कठोर होने की वजह से वहाँ पे कट छिल हो जाते हैं, कट पड़ जाते हैं, उससे में फिर जो है पाइल्स फिशर फिस्टूला हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों नुस्खा जो है मैंने आपको बताया है, तो दोनों नुस्खों में से जो आपको अच्छा लगे, आप पेस्ट अगर लगाना चाहते हैं तो जीरे का ऐसा पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट वहाँ पे लगा दीजिए, और अगर आप पेस्ट आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रहता है तो आप जीरा और मिश्री जो धागे वाली है उनको समान मात्रा में ले लीजिए। समान मात्रा में लेके दोनों का जो है पाउडर बना दीजिए और उस पाउडर को जो है आप सुबह शाम सेवन करिए और इससे जो है आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ में दोस्तों कुछ खान पान का भी ध्यान रखिए, जैसे मिर्च मसाले और तेल वाली जो चीज़ें होती हैं, जो गरिष्ठ भोजन होता है जो पचता बहुत देरी से, उसका सेवन कम करिए। बाकी दोस्तों इसका सेवन करिए और आपको फ़ायदा हो जाएगा। मिलता हूँ दोस्तों अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।